और ये देखें एक मुकामी बच्चा है, ये स्विमिंग कर रहा है, ये यहीं के मुकामी बच्चे हैं। आप करके बताओ बेटा, स्विमिंग करके बताओ। आओ ये देखो, ये देखो उस बच्चे की स्किल लो जरा। हाँ करो बेटा स्विमिंग करो। ये माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन। ये यहाँ के मुकामी बच्चे हैं इस इलाके के, इस इलाके को कक्का विलेज कहते हैं। कक्का विलेज ये माड़ीपुर ग्रेक्स से 4 किलोमीटर पे फासले पर है। ये कक्का विलेज सेंस बट, ये जो सामने पीली शर्ट वाला लड़का बैठा हुआ है ये पल्स रेस्क्यू का वो है। यहाँ से 100 मीटर के फासले पर है ये जगह, तो यहाँ पर ये स्विमिंग कराते हैं हम लोग। आज हमने क्लास कराई है। देखिए इसके स्विमिंग की मेन जो फर्स्ट स्किल है उसमें अपने आप को पानी में लेवल रखना है, लेवल अपने बैलेंस को आपने बराबर करना है। उसके लिए जैसे ये आप ये फॉर्म को देख लें ज़मीन के ऊपर, ये बिल्कुल मतलब पानी के ऊपर बिल्कुल ये स्ट्रेट है, इसी तरीके पे आपने करना, ना कि इसको पीछे से झुका दिया और आगे से मुंह उड़ गया तो फिर आप नीचे की तरफ जाएंगे। और इस तरह आपने जो है ना ये पहले तैरने की इस तरह अपने आपने को ठहराने की कोशिश करनी है। तो साथ ही पाँव चलाने का एक पहला स्टेप है वो मैं ज़रा, अगर आपकी स्विमिंग पूल में है तो स्विमिंग पूल के किनारे को आप पकड़ लेंगे, समझो ये स्विमिंग पूल का किनारा है। ज़रा बताओ किस तरह, जैसे ये जरार ने पकड़ लिया स्विमिंग पूल का किनारा और वहाँ पे पाइप भी लगे होते हैं बाद स्विमिंग पूलों में, तो आपने यहाँ इस तरह पकड़ लेना है और पीछे से सिर्फ पाँव की प्रैक्टिस करनी है। ये लहर आ जाए, अभी भी लहरें ख़त्म नहीं हुई हैं, बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं पानी में। तो मेरे पास जो मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, वाटर प्रूफ कैमरा नहीं है भाई, बहुत बातें लोग करते हैं तो मेरा मकसद तो जो है ना, कोई मैंने कोई बहुत बड़ा चैनल तो नहीं खोला हुआ है, बस मैं आपकी हेल्प के लिए और ये वीडियो बनाता हूँ ताकि लोगों को कुछ ना कुछ आ जाए। तो मेरे पास महंगे वाटरप्रूफ कैमरे नहीं है, अगर गोप्रो भी लूँ तो भी 70-80 हज़ार रुपये का कम से कम। तो भाई ये पहला जो स्टेप है पाँव चलाने का, ये जो है जैसे ये अभी अपने आप पे मतलब पाँव चला रहा है पीछे से स्ट्रेट और पानी में लेटा हुआ, इसने सिर्फ स्विमिंग पूल के किनारे को अगर सहारा है, सर भी बाहर निकाल ले। ज़रार दोबारा बताओ, आप सर बाहर निकाल के पाँव चलाने का ट्रिक बताओ। जैसे स्विमिंग पूल का किनारा आपने पकड़ा हुआ है, स्विमिंग पूल के किनारे को आपने पेट ने स्विमिंग पूल के किनारे पे नहीं, आपने हाथों से सिर्फ पकड़ना है किनारे के पाइप को। अब ये आपने हाथों से पकड़ा और पाइप चल, आपने पाँव चलाने का तरीका बताएं आप, घुटने बैंड किए बगैर आपने पाँव चलाना है, मुंह भिशक बाहर निकाल लें। वालेकुम दोस्तों, आज हम आए हैं 22 अक्टूबर 2022, हम स्विमिंग क्लास के लिए यहाँ पर आए हैं और मैंने जो आपको निशानी दी मछली चौक और ये पल्स लाइफ गार्ड वालों का ये है या सेंसपीड कक्का विलेज कहते हैं इसको। तो ये हम सामने क्लास कराएंगे इसके बिल्कुल, ये दिखाएं आप, ये सामने पल्स वालों का इसके बिल्कुल उस सेट पे हमारी क्लास होती है स्विमिंग की और हम आज क्लास शुरू करेंगे यहाँ पर इंशाल्लाह। तो चलिए आ जाइए। दोस्तों जैसे आज 22 अक्टूबर 2022 है, आज 22 अक्टूबर 2022 है और हमने अपनी क्लास के लिए आए हैं, हफ्ते का दिन है। तो मैं आपको तो बेसिक बता रहा हूँ, पहले मैंने हमें अपने आप पे जो स्विमिंग की बेसिक है उस पर हमें अपने आप को पानी में ऊपर रखने, आगे बढ़ना बात की बात है, पानी में अपने आप को ऊपर रखना किस तरीके पे है लेवल। तो लेवल के लिए हम जो है ना यहाँ पे फ्लोटिंग सीखेंगे, तो मैं खोला को आज फ्लोटिंग कराने की कोशिश करता हूँ। ये बिल्कुल बच्ची है और लर्नर है इसको, मतलब बिल्कुल अनट्रेन है और इसको हम मैं ट्रेनिंग कराऊँगा, आप देखते रहिएगा, बाद में बात आपके साथ करता हूँ। तो पहले मैं थोड़ी सी आपको टिप्स दे दूँगा। Thank you.
ये बंदे का पर होता है, मुश्किल है। मैंने भी सीखने में बहुत टाइम लगाया, मतलब 8-10 दिन लगते हैं, ज़्यादा महीना 2 महीने लग जाते हैं। अबू है मेरा शिकायत है। तीन दफा कोशिश, मैंने 2-3 दफा कोशिश की जरार करके बताया, लेकिन जरार इस टाइम खुद लर्नर है, खुद सीख रहा है, इसको खुद पता नहीं चलता है। आपने स्विमिंग पूल के किनारे के पाइप को यूं पकड़ लेना है, ठीक है। आपने यूं पकड़ के जहां भी आपको स्विमिंग पूल मिले, आप यहां आओ या ना आओ। देखो एक बंदा पूरे कराची के अंदर से मुझे कहता है कि मैंने आना है, उसके लिए मैं 8 से अभी देखे 9 बजने वाले हैं और कोई नहीं आया। मैं 10 बजे तक यहाँ क्लास कराऊँगा और 10 बजे के बाद मैं चले जाऊँगा, क्योंकि देखे जी मैं मेरी 47 साल मेरी उम्र है और यहीं मैं ग्रेक्स में यहाँ माड़ीपुर में यहीं मेरी पैदाइश है, मेरे बचपन सोंदरा में गुजरा है। तो बहरहाल मतलब यहाँ नज़दीक ही है, 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर हम लोग आते रहते हैं, तो इतना मेरा यहाँ से वो दिल नहीं है। बेशक मैं आता हूँ आपके फायदे के लिए। देखिए ये आपने स्विमिंग पूल जहाँ भी आप करें, मेरे इस स्किल को याद रखें। आपने पहला स्टेप ये है, ये सारे स्टेप मैं आज ही बता दूंगा, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए मसला होगा। पहला स्टेप है, आपने ये पकड़ लिया यहाँ से स्विमिंग पूल के किनारे को, पाइप को या उसके फर्श को पकड़ के आपने पानी में लेट जाना है। आपका मुंह बाहर है, आपने सिर्फ ये पाँव खिलाना है। अब स्विमिंग पूल की जो दीवार है वो तो आगे नहीं बढ़ेगी, आप अपनी जगह खड़े खड़े जैसे, तो जैसे ये मैं दरार के साथ टिका देता हूँ, आगे की तरफ नहीं बढ़ता हूँ और मैं ये पाँव चला रहा हूँ। मुँह मेरा बाहर है और मैं सिर्फ पाँव चला रहा हूँ। तो ये पहला स्टेप है, इसकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो पहला स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ स्विमिंग का, पहला स्टेप आप पाँव चलाना और अपने आप को लेवल रखना, नहीं पानी के अंदर पूरे पाँव नहीं चलाने, आपने इसकी तरह लेना, यूँ नहीं चलाने, यूँ आगे से उठ जाओ और पीछे डर के लेट के पूरा लेट जाना, जैसे बेड पे लेटते हैं। ये पहला स्टेप आप लोग अपने अपने इलाकों में जहाँ मौका मिले, जहाँ पानी का आपको मिले, तो वहाँ पर ये पहला स्टेप आपने करना है। पर सेफ्टी को नज़रअंदाज नहीं करना है आपने, यानी कि स्विमिंग पूल के एक हिस्से में 10 फुट पानी है, एक हिस्से में आपका 4 फुट पानी है। जहाँ 4 फुट पानी है वहाँ पर आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्विमिंग पूल के किनारे को पकड़ के आपने अपने पाँव को सीधा करके ये लेट जाना और यूँ पाँव चलाना, चलाना घुटने बैंड नहीं करने। आपने अभी मैंने यहाँ से यहाँ तक किया है, मेरे टांगों में जोर आ रहा है। आपने पहले दिन 10 मिनट करना है,
15 मिनट करना है अगले दिन, इस तरीके पे आपने अपना टाइम बढ़ाना है। क्या ही बात है कि आपकी टांगों में इतनी ताकत हो कि आप एक घंटा कर सको, लेकिन ये आपने प्रैक्टिस इस पर ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। समुंदर का पानी अभी भी लहरें मार रहा है लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर है। तो पहला स्टेप जो आपको मैंने बताया, और फिर साथ ही आप दूसरा स्टेप इस टाइम करेंगे ये कि स्विमिंग पूल के अगर पाइप लगा हुआ है उसको उल्टा लेट के पकड़ के फिर उल्टे पाँव चलाने हैं। वो तरीका कर ये देखें, ये आप अपने स्विमिंग पूल में लेट गए और ये आपने ये पीछे से पाइप को पकड़ लिया और ये पाँव चलाने सीधे। ये आपने पाइप को पकड़ा हुआ है, स्विमिंग पूल अपनी जगह पर खड़ा है, वो तो नहीं आगे बढ़ेगा, आप ये पाँव चला रहे हो अपना। एक नहर और बच के आगे आ जा, आगे आ जा, आगे आ जा। तो जरार अभी ये आप करके मुझे बताओ, साथ मैं अपने दोस्त को वीडियो भी देता हूँ कि भाई जरार कैसे कर रहा है। अब ये तरीका करो और उसके बाद हम बाहर निकालेंगे कि लहरें बहुत हो रही हैं, कैमरा मोबाइल कहीं गीला ना हो जाए। करो आप, चले इस साइड आ जाओ, इस साइड बीच में आओ ताकि नज़र सही आए, साथ दोस्तों को पता चलेगा कि लहरें आती हैं तो क्या होता है। चलो देखें, ये आप जरार ने स्विमिंग पूल का किनारा पकड़ लिया, दीवार पकड़ ली, पाइप पकड़ लिया, चेहरा नहीं डुबोना है, चेहरा बाहर रहेगा आपका, आपने लेट जाना है, सिर्फ पाँव चलाने सीधे सीधे और पाँव आपके बाहर की तरफ आएँ, पानी से ऊपर की तरफ आएँ, बिल्कुल बाहर नहीं निकालने, घुटना बैंड नहीं करना है। जिस तरह ये जरार के हाथ सीधे हैं, अपने कूल्हे की हड्डी से इसको ऊपर नीचे डाउन अप एंड डाउन करने हैं, ना कि जरार आप पानी में डूब रहे हो ऊपर, मुझे देखा मैं ऊपर हो रहा हूँ, आप नीचे जा रहे हो, नीचे नहीं जाना, ऊपर रहना है। सही है, आप करके बताओ जल्दी से कि आपने क्या सीखा। जब आप नहीं कुछ सीख पा रहे हो तो नए साथी कैसे आगे सीखेंगे इस चीज़ को। पाँव बाहर आपके आए, बाहर घुटने बैंड किए बगैर पाँव बाहर निकालो। हाँ, ये सीधे पाँव चल रहे हैं जरार के। जरार में एक बेवकूफ़ी है कि इसको मैं कहता हूँ इस साइड हो जाओ, पीछे से लहर आती है, मोबाइल में पानी के अंदर चला जाएगा, फिर ये उस साइड हो जाता है। तो आप मेरे इस साइड आओ ताकि लहर आए तो मैं मोबाइल को भी बचा सकूँ पानी से। ये देखें कितने कितने हमारे जरार का कद 6 फुट है और यहाँ इस टाइम 4.5 फुट पानी है। तो ये आप देख लें, जरार के पाँव चल रहे हैं। अब जरार जो मैंने उल्टा तरीका बताया, उस उल्टे तरीके उल्टा स्विमिंग आपने मुंह ऊपर की बाहर की तरफ निकाल लेना है, उल्टे बैक की तरफ से आपने इस तरह स्विमिंग पूल के पाइप को या स्विमिंग पूल की दीवार को पकड़ के फिर इस तरीके पे भी प्रैक्टिस करनी है। तो इससे नहीं हो रही है तो मैंने आपको करके बताई है जो मेरी वीडियो में आपने देखी है, दोबारा लेट के करके बताओ, करके बताओ, वही दोबारा कोशिश करो ना, कोशिश करो साथियों को, आप लेटो पकड़ो इसको दोनों हाथों से मजबूत पकड़ो, वहाँ पाइप होंगे साथियों को तो आसानी होगी पकड़ने में। ये पेड़ ऊपर रखो, पेड़ ऊपर रखो, पेड़ ऊपर, हाँ पेड़ नहीं आपने डुबोना है, पेड़ डुबोगे तो समझो डूबने में के चांस ज़्यादा होता है, आपने पेड़ नहीं डुबोना है। घुटने हल्के से बैंड हो रहे हैं, घुटने और टांग आप अपने मसल्स के पूरे यानी इसको क्या कहते हैं कूल्हे से नीचे आपने घुटना सीधा रखना है बिल्कुल। अब थोड़ा सा मैं करके बताता हूँ, देखो आप ये वीडियो लो, इसको कंटिन्यू जारी रखो, ये पकड़ो मोबाइल। अब हम 5-5 फुट पानी में आ चुके हैं, इस टाइम पर ख़तरनाक भी है, लहर आती है और मोबाइल का डूबने का भी खतरा है, तो हम काफ़ी गहरे पानी में आ चुके हैं। ये मेरे देखो, अब ये देखो, ये पकड़ लिया आप स्विमिंग पूल को आपने, और ये देखो मुझे देखो, ये मैं पाँव चला रहा हूँ, आप इस दीवार के ऊपर अपना सर रख लो, हेड अपना दीवार के ऊपर रख लो, पाइप को पकड़ लो, ये पाँव आपने चलाने हैं। ये मैं आपको स्विमिंग की स्टार्टिंग बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में आप ये कर लोगे तो अभी देखो आप ये देख लो, ओहो अब ये देखो फड़े हो, आप देख रहे हो कि मैं पाँव भी नहीं चला रहा, हाथ भी नहीं चला रहा, हल्के हल्के पाँव हिला रहा हूँ और मैं पानी के ऊपर हूँ, तो आपने यूँ चलाना है ये, और आप मतलब स्विमिंग पूल के किनारे को पकड़ लोगे। ठीक है, ये जरार प्रैक्टिस कर रहा है, देखें ये बच्चे को देखना बड़ी लहर के साथ ये किस तरह सरफेस करेगा, सर्फिंग करेगा, ये देखें गया। हमारे पास वो सिस्टम नहीं है भाई कि हम
ये लहर बड़ी लहर है और अल्लाह मेरे मोबाइल को बचाए यहाँ पर। ये अल्लाह ख्याल, पानी जो है ना मोबाइल के ऊपर अच्छा वाला आया, लेकिन अब हम इस मोबाइल को बाहर निकालते हैं इससे पहले ही शहीद हो जाए। जो साथी नहीं आए तो वो आ जाते, अगर उसके पाँव के नीचे मछली आ जाती, काफ़ी मरी पड़ी है वो। देखें ये देखें ये देखें, तो यहाँ समुद्र किनारे में काफ़ी आज मछली निकली हुई है, तो ये पाँव के नीचे भी मेरे काफ़ी आई हैं। मुर्गियों का शिकार भी हूँ, लेकिन मैं पुराना बंदा हूँ तो मुझे इतना कुछ वो नहीं हुआ। तो देखें तो पानी में ये गंद भी निकल रहा है आज। तो बहरहाल हमने अपनी फिर भी क्लास कराई, हम आए हैं, स्विमिंग हमने लड़कों को कराई है, बच्चे को कराई है, खोला भी उसका ही है। तो बस ये बातें ख़त्म नहीं हो रही हैं, बात दरअसल जो है बेसिक वो अभी ज़रार प्रैक्टिस करेगा। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? ठीक है, ज़रार खोला को प्रैक्टिस कराओ टांग पाँव चलाने की। भाई कोई आए ना आए, हम तो आएंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, कोई आए ना आए। मैंने अपने ज़रार को और खोला को प्रैक्टिस करवानी है, आज करवा रहा हूँ। भाई रोज़ाना आने का मौका नहीं मिलता है, काम है, स्कूल हैं। आज खोला का स्कूल था, लेकिन खोला ने बहुत ज़िद की कि आज जो है ना बच्चे वैन में सिर्फ 3 बच्चे थे, तो मैंने क्या किया कि खोला को फिर नहीं जाने दिया। ज़रार का भी मूड नहीं था। ये माशाल्लाह गुड, ये यहाँ के मुकामी बच्चे हैं, कुछ शहर से भी आ गए हैं, कुछ मुकामी भी हैं। वो ज़रार खोला को प्रैक्टिस करा रहा है, ये देखिए आप, ज़रार ने खोला को प्रैक्टिस कराना शुरू की है। तो भाई इसी तरह हैं, थोड़ा 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 करके सीखते हैं। ये बच्चे भी जो है ना, ये जो तैर रहा है ये बच्चा, ये और वो खोला को सिखा रहा है ज़रार। तो ये बच्चा भी पानी में पैदा नहीं हुआ है, घर से पैदा होके थोड़ा होश संभाल के पानी में आया, आहिस्ता आहिस्ता सीख लिया। ये भी देखें, तो ये बाज़ साथियों ने कमेंट्स किया है कि समुंदर जो है, मैं भी तैराकी जानता हूँ, समुंदर नहाने के लिए नहीं है। तो भाई जून जुलाई अगस्त में तो मैं ख़ुद भी यहाँ आके नहीं नहाता हूँ, सीधी सी बात है। ये आप जो देख रहे हैं, ये आप जो देख रहे हैं, ये स्केल देखो इसकी, लहर के साथ ये बग़ैर उसके आगे बढ़ता है। तो वो जो किश्तियाँ देख रहे हैं, ये भी जब पानी ठहर जाता है तो अपनी किश्तियाँ खड़ी करते हैं, वरना बड़ी बड़ी लहरों के साथ ये आपस में टकरा के ही जो हैं वफात पा जाएँ। तो ये भी यहाँ पे तब खड़ी करते हैं जब पानी में आप जा सकते हो। तो इस टाइम पानी आपका जो है नहर और दरिया से भी बेहतरीन पानी है, बस थोड़ा सा जानते हो आप। ये ना कि इसमें आप गहरे पानी में 6 फुट में चले जाएँ, लहर आए 7वीं फुट की लहर हो जाए तो जो है आप वहाँ पर आके परेशान हो जाएँ। तो भाई ये मतलब कहने का कि सीखने के बाद ही दिल खुलता है। हम भी शुरू में इतना दिल नहीं पकड़ते थे, हमें भी प्रैक्टिस होगी, मेरे बच्चे ही दिल नहीं पकड़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी उन्होंने भी दिल पकड़ लिया है। उनको ही पता कि हमें सेफ्टी क्या है, सेफ्टी अब उनके लिए ये है। अब लाइफ जैकेट बनाएंगे तो सीखेंगे कब वो? अगर उनको मैंने लाइफ जैकेट दे दी तो उन्होंने सीखना कब है? फिर तैरना कब सीखना है? लाइफ जैकेट फिर तैरने के मदद थोड़ी करती है, लाइफ जैकेट तो फिर आपके जो है ना दूसरा काम ही करती है। मतलब वो आपको सिर्फ ऊपर रखती है, वो आपको तैरने नहीं देगी, ना तैरना सीखने देगी तैरने के लिए। लाइफ जैकेट आपको हमेशा ऊपर रखेगी।